हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हमारे पास न्यू बाइक है दोस्तों, जो कि आप देख रहे हो, ये बजाज की पल्सर NS125 जो कि ऑरेंज कलर के साथ में आती है। दोस्तों मैंने एक और बाइक का रिव्यू दिया है, लेकिन वो दूसरा कलर है दोस्तों, वो ब्लू कलर है, और मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगा जो कि ऑरेंज कलर के साथ में आता है। तो आज इसका रिव्यू दूंगा, इसके सारे फीचर्स, प्राइस, माइलेज सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। जो भी डाउट होगा दोस्तों इस बाइक को लेकर, सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। और लास्ट में दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे इस बाइक के प्राइस के बारे में और फाइनेंस के बारे में, आपको कम से कम कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी वो दोस्तों हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लगाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये रही बजाज की पल्सर NS125 जो कि कुछ ऐसी दिखती है सामने से। सबसे पहले इस बाइक का मैं आप लोगों को एक छोटा सा 360 व्यू दे देता हूँ, ताकि आप लोग समझ जाओ ये बाइक दिखती कैसी है। दोस्तों इधर से बाइक कुछ ऐसी दिखेगी। अभी हम चलते हैं पीछे की तरफ, ये रहा इधर का व्यू, और दोस्तों ये रहा इधर का व्यू। इधर से ये बाइक कुछ ऐसी दिखेगी। अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी हम चलते हैं सामने की तरफ, ये रहा सामने का व्यू। अभी हम इस बाइक के फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक रोबोटिक स्टाइल में हेडलाइट मिल जाएगी। हेडलाइट की बात करें तो आपको हैलोजन हेडलाइट मिलने वाली है, और उसके ऊपर आपको एक विंडशील मिल जाएगी, जैसे हमको टिपिकल NS200 160 में देखने को मिलती है दोस्तों। ये आपको ग्लोसी में मिलेगा, और ये दोस्तों मैट फिनिश में है, और यहाँ पर आपको बजाज का लोगो मिल जाएगा। एंड आपको साइड प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ हेडलाइट का। यहाँ पर आपको ये ऑरेंज कलर का स्टिकर वर्क देखने को मिलेगा जो कि ग्लोसी में है दोस्तों, और उधर का भी दिखा देता हूँ। इधर भी आपको सेमी ग्राफिक्स मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको दो पायलट लैंप मिल जाएंगे दोस्तों, ये आपको बल्ब मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लगने वाला है। इसके इंडिकेटर की बात करें तो आपको बल्ब मिलने वाला है, ये कुछ ऐसे दिखेगा दोस्तों। और अभी हम चलते हैं मडगार्ड पे। मडगार्ड पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश की फिनिशिंग देखने को मिलेगी, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है दोस्तों, और साथ में ये कर्व सा डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और अभी हम इसके सस्पेंशन की बात कर, ये रहा फ्रंट का सस्पेंशन। फ्रंट में आपको मिलने वाला है टेलीस्कोपिक, और रियर का पहले मैं दिखा देता हूँ। और रियर का ये रहा दोस्तों, आप देख रहे हो, रियर में आपको मिलने वाला है मोनोशॉक, जो कि एक अच्छा सस्पेंशन होता है। ये आपकी राइडिंग क्वालिटी को और अच्छा बढ़ा देता है दोस्तों। और अभी हम आगे चलते हैं, और इसके अभी हम टायर की बात कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों टायर। टायर की बात करें तो आपको MRF ब्रांड का टायर मिलने वाला है, जो कि एक ट्यूबलेस टायर रहने वाला है। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा 80x100 का, और रियर का पहले मैं दिखा देता हूँ। रियर का ये रहा, रियर में आपको थोड़ा सा वाइड टायर साइज़ मिलने वाला है। रियर में आपको मिल जाएगा 100x90 का, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर रियर टायर साइज़ थोड़ा सा वाइड रहता है तो बाइक का लुक देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। और अभी हम इसके व्हील की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिलने वाले हैं फ्रंट में, और रियर में भी दोस्तों आपको दोनों सेम ही साइज़ रहने वाला है। और इसके ऊपर व्हील के ऊपर आपको ऑरेंज कलर का स्टिकर वर्क देखने को मिलेगा, जो कि ग्राफिक्स को मैच करने के लिए लगाया गया है, आप देख सकते हो दोस्तों। और अभी हम इसके ब्रेक की बात कर लेते हैं। इसमें आपको सिंगल डिस्क का ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको मिल जाएगा 240mm का डिस्क, और रियर में आपको मिलने वाला 130mm का ड्रम दोस्तों। और अगर हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको ABS नहीं मिलता है, इसमें आपको CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। अगर आप रियर ब्रेक लगाते हो तो आपका अगला ब्रेक भी लगता है, जिस हिसाब से स्पीड होती है दोस्तों 50-40% जैसी स्पीड होती है, जो कि एक इफेक्टिव ब्रेक होता है। अगर इसमें ABS होता तो और अच्छी बात होती इस बाइक के लिए। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, ये उधर भी रहने वाला है। अभी हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको इंजन काउल मिल जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम स्पोर्टी लुक के साथ में आ रहा है। ये यहाँ पे आपको स्टिकर वर्क मिल जाएगा, जो कि मैट फिनिश के साथ में आता है, और ये भी दोस्तों मैट फिनिश के साथ में है। यहाँ पे आपका कैटलेटिक कन्वर्टर हो गया, जिसे हम BS6 की पहचान मानते हैं। और ये रहा दोस्तों हॉर्न, आप देख सकते हो, और थोड़ा स्पोर्टी टच देने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐड किया गया है। और ये रहा हमारा लेग गार्ड, और ये रहा दोस्तों हमारा इंजन, जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है, फुली आपको ब्लैक कलर में मिलने वाला है। और ये रहा दोस्तों किक, फाइनली इसमें आपको किक मिल जाता है। और ये रहा दोस्तों हमारा ब्रेक पैड, ये रहा राइडर फुटरेस्ट, और ये रहा दोस्तों इधर का व्यू, कुछ ऐसे दिखने वाली है बाइक। और अभी हम चलते हैं टैंक पे। टैंक का व्यू आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 125 की बैचिंग मिल जाएगी, और ये आपको फुली टैंक दोस्तों ग्लोसी फिनिश में मिलने वाला है विद ऑरेंज कलर। यहाँ पे आपको पल्सर 3D में लिखा हुआ मिल जाएगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे थोड़े बहुत स्टिकर वर्क है दोस्तों, ये भी ग्लोसी फिनिश में आपको मिलने वाले हैं। और
और अभी हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको इंजन मिल जाएगा 124.4 सीसी का, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको मिलने वाली है 11.99 पीएस एट 8500 आरपीएम, और आपको टॉर्क मिल जाएगा 11 न्यूटन मीटर एट 7000 आरपीएम। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक टू वॉल्व एयर कूल ईएफआई इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर दोस्तों आपको कार्बोरेटर इंजन इसमें आपको कार्बोरेटर इंजन मिलने वाला है। साथ में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा। और ये रहा दोस्तों इधर का व्यू, यहाँ पे आपको पिनियन राइडर फुटरेस्ट मिल जाएगा जो कि फोल्डेबल है। और ये रहा इधर का व्यू, और अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपको NS125 की बैचिंग मिल जाएगी, और ये दोस्तों आपको थोड़ा सा मैट फिनिश में मिल जाएगा, और ये ग्लोसी फिनिश में है। ये वाइट कलर का स्टिकर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये भी मैट फिनिश में आपको मिल जाएगा। और अभी हम चलते हैं पीछे की तरफ। ये रहा दोस्तों टेल लैम्प आपको LED मिलने वाली है। यहाँ पे आपको छोटी सी लाइट मिलेगी जो कि हमारे नंबर प्लेट पर रोशनी जाती रहेगी, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। ये रहा रिफ्लेक्टर, ये रहा दोस्तों आपका टायर हगर आपको मिल जाता है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है जब हम राइड करते हैं तो पिलियन राइडर के ऊपर उड़ के मिट्टी या पानी की चीटें नहीं जाएंगे। और यहाँ पर आपको सारी गार्ड मिल जाता है जिसमें आपको लेडीज फुटरेस्ट नहीं मिलेगा। और टायर हगर के ऊपर भी आपको कार्बन फाइबर फिनिश की फिनिशिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये रहा दोस्तों हमारा पिलियन राइडर फुटरेस्ट जो कि फोल्डेबल है जैसे हमने उधर था। और ये रहा इधर का व्यू, यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूनिक सा डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये दोस्तों आपको ब्लैक कलर मैट फिनिश मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स लगने वाला है, एक आपका नीचे लगेगा एंड 4 आपके दोस्तों ऊपर लगने वाले हैं। और इसमें आपको सिंगल स्टैंड मिल जाएगा, डुअल स्टैंड मिल जाएगा। और ये रहा इंजन का व्यू, अभी मैं इधर दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों इधर का व्यू भी आप लोग देख लो क्लियरली कैसे दिखता है। और अभी हम आगे चलते हैं। और ये रहा दोस्तों लेग गार्ड, और यही रहा दोस्तों अपना इंजन काउल, ऐसे कुछ दिखेगा। अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ, और टैंक का व्यू आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है जैसे हमने उधर देखा था दोस्तों ग्राफिक्स, वैसे ही आपको इधर ग्राफिक्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ इस बाइक का व्यू, इधर से कुछ ऐसे आपको मिल जाएगा, देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है दोस्तों। और अभी हम चलते हैं सामने की तरफ, ये रहा सामने का व्यू। अभी हम इस बाइक के सीट की बात कर लेते हैं। इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलने वाली है जो कि काफ़ी स्पोर्टी टच के साथ में आती है। और सीट क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट है दोस्तों, और इस बाइक का राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा है। इस बाइक को आप सिटी एंड हाईवे कहीं भी आराम से चला सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा कफ सा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा जो कि देखने में अच्छा दिख रहा है, और ये भी डिज़ाइन आपको थोड़ा यूनिक सा देखने को मिल जाएगा राइडर एंड पिलर राइडर के सीट पर। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्टिकर वर्क मिल जाएगा टेल लाइट के ऊपर। ये सीट आपको कुछ ऐसे दिखने वाली है, काफ़ी स्पोर्टी टच के साथ में आती है। अभी हम आगे चलते हैं और इसके टैंक की बात कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों टैंक, मैं दोनों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। इधर से इसका व्यू आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। और इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, और इसकी माइलेज आपको मिलने वाली है 45 के आसपास। बाकी डिपेंड करता है दोस्तों आप कैसे चलाते हो। अभी हम चलते हैं मीटर कंसोल पे। ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मिलने वाला है। यहाँ पर आपका RPM शो करेगा, और यहाँ पर आपका फ्यूल का स्पीड का शो करेगा। वही सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं जो हमें NS160 मिलते थे, बस थोड़े बहुत कमी रहेगी बस। और ये आपके RPM लिमिट इंडिकेट करेगा, और सेलेक्ट एंड रीसेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका मोड का है, एंड ये आपका सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका बजाज का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको एक दो फीचर्स मिल जाएंगे। और दोस्तों अभी मैं हैंडल बार पे चलता हूँ। ये आपका थ्रोटल हो गया, ये आपका किल स्विच, ये आपका सेल्फ स्टार्ट, ये आपका ब्रेक लीवर, और इसमें आपको क्लिप एंड हैंडल बार मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी स्पोर्टी दिखता है। ये आपका अपर डिपर, ये आपका इंडिकेटर हो गया दोस्तों, ये आपका हॉर्न, ये आपका पासिंग लाइट, ये आपका हो गया क्लच लीवर। अभी हम इस बाइक के डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको लेंथ मिल जाएगा 2012 mm, और विड्थ मिलने वाली है दोस्तों 810 mm, और हाइट है 1078 mm, सैडल हाइट है 805 mm, और आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा 179 mm, और इस बाइक का वेट आपको मिलने वाला 144 kg। और इस बाइक के कलर ऑप्शन की बात करें आपको 4 कलर ऑप्शन मिलने वाला है। पहला आपको ये मिल जाएगा जो आप देख रहे हो, ये है ऑरेंज कलर। दूसरा आपको रेड मिलने वाला है जो कि मैट फिनिश के साथ में आता है, ये है दोस्तों वो कलर। ये आपको रेड कलर मिल जाएगा मैट फिनिश में, ये कुछ ऐसे दिखेगा। और तीसरा दोस्तों आपको ग्रे कलर में मिल जाएगा, ये यहाँ पे है, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा ग्रे कलर जो कि आपको ग्लोसी फिनिश में मिलने वाला है, ये कुछ ऐसे दिखेगा। और चौथा यहाँ पे है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये
ये रहा ब्लू कलर आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, ये भी आपको ग्लोसी फिनिश में मिलने वाला है, ये कुछ ऐसे दिखने वाला है। और अभी हम बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं NS160 से NS125 में। जो खास चेंजेस आपको देखने में नज़र आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला चेंजेस आपको सस्पेंशन में दिख जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला है दोस्तों NS160 के कंपेरिजन में, और इसके इंजन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और बाकी दोस्तों आपको बॉडी वही मिलने वाली है जैसे हमें NS160 में मिलती है दोस्तों, और टायर साइज़ में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, और कोई भी चेंजेस नहीं है दोस्तों। देखने में एकदम सेम टू सेम NS160 जैसी बाइक दिखती है। और इसके प्राइस में चेंज है उसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा अगर आप फाइनेंस पे लोगे तो कम से कम डाउन पेमेंट आपको कितना देना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम इस बाइक की प्राइस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको चार कलर आते हैं दोस्तों, पहला आपको ऑरेंज मिल जाएगा, दूसरा ब्लू, तीसरा ग्रे, और चौथा आपको मिलने वाला है ब्लू। और चारों के प्राइस सेम ही रहने वाले हैं, और इसमें आपको एक ही वेरियंट मिलता है दोस्तों, सिंगल डिस्क के साथ में आता है, ABS का भी कोई ऑप्शन नहीं आया है, उसका प्राइस भी आपको सेम ही मिलने वाला है। इसका एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ने वाला है 1,12,000, और ऑन रोड आपको पड़ जाएगा दोस्तों 1,17,000, ये यहाँ का प्राइस है दोस्तों। अगर आप लोग आस पास से हो तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो, इस शोरूम का एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। और दोस्तों अगर आप ये फाइनेंस पे लेते हो तो कम से कम आप लोगों को 30% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, जो इस बाइक की ऑन रोड प्राइस बनेगी दोस्तों। और यहाँ पे आपको सारी टाइप के मतलब फाइनेंस मिल जाएंगे, सारी कंपनियाँ के आपके फाइनेंसर मिल जाएंगे इस शोरूम पे। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, हम लोग ऐसे रेगुलर वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।